सरोकार। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ, यूक्रेन को देगा 300 मिलियन डॉलर की सहायता। कोरोना के नए वेरिएंट एक्सई की दस्तक, डब्ल्यूएचओ ने बताया ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा संक्रामक। देश में कोरोना के मामले में गिरावट, 24 घंटे में आए 1260 नए केस, 83 मरीजों की मौत। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी ने मचाया कहर, आईएमए ने अगले 5 दिन लू चलने का अलर्ट किया जारी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, माता के जयकारों से गूंजे मंदिर। नमस्कार, चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आपका प्राइम टीवी में स्वागत करती हूं। रुक करते हो तो प्रदेश खबरों की ओर। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करके देवी दुर्गा की आराधना 9 दिनों की लिए की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्यौहार पूरे 9 दिनों का है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही पवित्र और शुभ फल देने वाला माना गया है। चैत्र नवरात्रि के साथ आज से नया हिंदू विक्रम संवत 2079 भी शुरू हो गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर, फिरोजाबाद, रायबरेली, सभी जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ उपवास कर रहे हैं। तो आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करी जाती है। भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। मंदिरों में, सिद्ध मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, घर के आसपास भी लोग जा रहे हैं। हर एक मंदिर में आज भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। 9 दिन तक यही धूम देखने को मिलेगी। घरों पर भी लोग पूजा अर्चना करेंगे पूरे विधि विधान के साथ, और साथ ही साथ बाकी मंदिरों में भी पूजा पाठ देखने को मिलेगा। लोग माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचेंगे। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिन मां मंदिरों में वास करती हैं, अपने मायके आती हैं। कैलाश को छोड़कर अपनी मायके आती हैं और मंदिरों में वास भी करती हैं। 9 दिन तक मां मंदिरों में रहती हैं और मंदिरों में दर्शन करने के लिए इसीलिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सभी भक्तजन मां को अपने घर में बुलाने के लिए कलश स्थापना करते हैं, माता की पूजा करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। मां को खुश करने के लिए पूजा करी जाती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने सभी स्कूल कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। नवरात्रि के पहले दिन महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में सभी थाना अध्यक्षों को उनके क्षेत्र में 24 एंटी रोमियो टीमों के गठन का निर्देश दिया गया है। आज एंटी रोमियो अभियान के तहत कस्बे में मैंने पूरा भ्रमण किया, विद्यालयों पे, मंदिरों पे, ऐसी जगहों पे जहां महिलाओं बच्चियों का आना जाना लगा रहता है, उसके संबंध में ड्यूटियों को चेक किया गया। महिलाओं बच्चियों से लगातार वार्ता की गई, उनको किसी प्रकार की भी कभी भी आने जाने में किसी भी कार्य में कोई असुविधा ना होती हो या कोई सौदे या मंचलों द्वारा परेशान न किया जाता हो, इस प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारी ड्यूटियाँ लगातार सादे वस्त्रों में भी लगी हुई हैं, उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं बच्चियों से बात करके उनमें एक विश्वास का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में वो तत्काल पुलिस को सूचित कर सकें और हम भी समय रहते तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर सकें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और स्कूलों के शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा 2022 पर चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग देखी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में छात्रों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान AMU के डिप्टी प्रॉक्टर सैयद अली नवाज जैदी ने कहा कि यहाँ करीब 28 देशों के छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से करीब 30 छात्र
छात्रों ने प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिप्टी प्रॉक्टर ने आगे कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था और अन्य देशों के छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई। ये जो इवेंट है परीक्षा पे चर्चा, माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है और ये बड़ा अच्छा इवेंट है जिसके लिए हम लोग सब बहुत इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। स्पेशली हमारे पास, क्योंकि हम फॉरेन अफेयर्स ऑफिस डील करते हैं, तो हमारे पास एक मेल आया है अरविंद कुमार जी का इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से, लखनऊ बेस्ड ऑफिस से, कि आप फॉरेन स्टूडेंट्स को भी इस बार इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अप्रोच है और उसमें यह है कि हम अगर फॉरेन स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और हमारे यहाँ एक्चुअली 28 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं और 28 कंट्रीज़ के स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली जो कोविड से पहले हमारी संख्या थी उनकी वो 650 के आसपास थी, बट कोविड के बाद थोड़ा सा कुछ बच्चे वापस चले गए और जो अभी जो करंट स्टेटस हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 300 के अप्रॉक्सीमेटली बच्चे इस वक्त एडमिटेड हैं और एडमिशन प्रोसेस अभी यूनिवर्सिटी का चल रहा है। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह अन्य 24 जिलों में इंटरमीडिएट का पेपर लीक होने के बाद हरकत में आए। दोनों अधिकारियों ने सतर्कता दिखाते हुए जनपद के कॉलेजों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डीएम और एसपी ने स्थानीय वैदिक कन्या इंटर कॉलेज बिजनौर इंटर कॉलेज में प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने के लिए सीलिंग पैकिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्षों का निरीक्षण करते हुए प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दिए। माध्यमिक जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए, नगर निगम परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग विद्यालय में जाकर के ये देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्रों का रख रखाव है, उसकी सुरक्षा है, वह समुचित है कि नहीं, और भविष्य में कैसे इस परीक्षा को शुचितापूर्ण कराया जाए उसके लिए निर्देश दिए गए केंद्र व्यवस्थापक को। खबर फिरोजाबाद से है जहां बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बता दें कि घर में नौकरानी के साथ बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि थाना उत्तर क्षेत्र नगर गली नंबर 9 की घटना है ये। देखिए, उत्तर थाने में आर्य गली नंबर 9 में कमला देवी 74 वर्ष की, ये यहाँ पे लैंड लेडी थी, इनके साथ में एक नौकरानी रहती थी, ये दोनों अकेले यहाँ पर रहती थी। तो आज शाम को दो आदमी मोटरसाइकिल पे आए हैं और इनके घर पर घंटी बजाकर इनके घर के अंदर गए हैं और उसके बाद में ये पता चला है कि जो कमला देवी हैं उनका कांच से गला रेत के हत्या की गई है और इसको बताया जा रहा है कि कुछ पैसा वगैरह भी यहाँ पर लेके गए। इसके लिए उसके वर्कआउट के लिए इमीडिएटली मैंने यहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया है और जो टीमें हैं उनको गठन किया है। इसमें SOG की टीम है, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है और तीन थानों की टीमों को मैंने लगाया है और जल्दी ही घटना का जो है हस्ताक्षर करेंगे। इसमें CCTV वगैरह भी हम लगातार देख रहे हैं तो जल्दी इसका। सर, हत्या का मामला है या लूट का प्रयास है? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया तो ये है कि क्योंकि लोग आए थे और मोटरसाइकिल से आए थे, घंटी भी बजाई थी, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि मोटिव क्या है वास्तव में। जो भी है तो उसमें टीमें हमारी सारी लगी हुई हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, जल्दी इसका खुलासा करें। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है। इसी के तहत एटम में भी अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि अलीगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना जैथरा के गांव गड़ी रोशन में प्रशासन की भूमि पर RS यादव के नाम से ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा था, जबकि यह जमीन 2008 में ही तत्कालीन जिलाधिकारी ने राज्य सरकार के नाम कर दी थी। वहीं इसका मामला कोर्ट में चल रहा था जिस नवंबर 2021 में इस कब्जे को खारिज कर दिया गया था। ग्राम गड़ी रोशन थाना जैथरा के अंतर्गत गाटा संख्या 279 जो है 7/7/2008 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था, परंतु इस पर एक पक्ष द्वारा
अवैध कब्जा करकर जो है आरएस यादव नाम से एक ईंट का भट्टा संचालित किया जा रहा था, परंतु नवंबर 2021 को राजस्व परिषद में अपील खारिज होने के पश्चात उसी के क्रम में इस पर जो है राज्य सरकार द्वारा पुनः कब्जा किया जा रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर कुलदीप कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को तहसील सदर में लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी तहसीलों में लीगल एंड क्लिनिक स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लीगल एंड क्लिनिक के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। देखिए, लीगल एंड क्लिनिक का जो उद्घाटन इस पर्पज से किया गया है कि नालसा की हमारी गाइडलाइन है, उनमें हर तहसील स्तर पर ऐसे क्लिनिक बनाने हैं जिससे कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। उसमें पुरुष महिला कोई भी हो, सभी को ये लाभ मिलेगा। उसमें जिस तरह से हम लोग डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी बताते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करता है, इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे बैठे हुए जो विधिक के एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे कि आपके मामले में कहाँ रेमेडी लाई करती है। और ऐसे मामले में जिनमें कि उनके पास वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, अधिवक्ता करने के अगेंस्ट करने के भी पैसे नहीं हैं, तो उनको पैनल लॉयर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो सही जगह पहुंच के इधर उधर भटकना ना पड़े, उन्हें सही समय पर सही जगह वो अपना जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पहुंच सकें और अपनी बात कह सकें और जो भी उन्हें अंकोष चाहिए वो उनको उपलब्ध हो जाए। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं जब मंत्री संजय सिंह गंगवार से पूछा गया कि जिले में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना का बकाया भुगतान को लेकर बड़ी समस्या है, बिना प्रदर्शन करे किसानों को भुगतान नहीं होता है, तब उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा है उसी पर काम किया जाएगा, हमको काम करने का मौका चाहिए। जो संकल्प पत्र में जो भी दिया हुआ है उस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लागू करने का काम करेगी। जैसे कि किसानों के बराबर यहाँ पे शिकायत बनी रहती है गन्ना भुगतान को लेकर, आप पीछे देखिए कि कितनी खराब स्थिति थी और हम लोग कहाँ से स्थिति, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कितना पेमेंट में सुधार हुआ है, बाकी हमको 100 दिन काम करने का मौका दीजिए, बिल्कुल जो संकल्प पत्र में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही गन्ना का भुगतान। बेंगलुरु के खिलाफ हार के बाद एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स की गाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में वापसी कर चुकी है। पंजाब के खिलाफ कोलकाता ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। कोलकाता के लिए इस मुकाबले के हीरो आंद्रे रसेल और उमेश यादव रहे। आंद्रे रसेल की खराब गेंदबाजी की बदौलत ही कोलकाता ने RCB के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया था। उन्होंने नाबाद 70 रनों की तूफानी पारी खेल कोलकाता को तीसरे मुकाबले की दूसरी जीत दिलाई। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी 27 गेंदों में जड़ी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।